तैयार होकर हॉल में एक नाश्ता करने आती है, जहां उसकी माँ निर्मला और पिता चंदर होते हैं। तभी वो नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए बोलती है, माँ कल से ना मेरे उठने से पहले पानी गरम रख देना, ठीक है? ठंड आ चुकी है, अब ठंडा पानी तो करंट की तरह लगता है। क्या बेटा, तुझे अभी से ठंड लगने लगी? अरे थोड़ी सी ठंडी हवा भी चलती है ना, तो इसकी तो कपकपी छूटने लगती है। इसके जितनी ठंड तो किसी को नहीं लगती। अब मैं क्या करूँ अगर मुझे इतनी ठंड लगती है तो? चलो अब बातें बाद में करना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। और हाँ, मेरे कुछ गर्म कपड़े भी निकाल देना, कल से मैं वही पहन कर जाऊंगी। हाँ हाँ, सब कर देगी तेरी माँ, पहले तू आराम से नाश्ता तो कर ले। इतना बोलकर तीनों नाश्ता करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और मौसम बदलता है और धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ने लगती है, और बढ़ती सर्दियों के साथ डोली का आलसीपन भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो हफ्ते में बस दो बार ही नहाया करती थी और गर्म पानी का यूज ही किया करती थी, चाहे नहाना हो या मुंह धोना हो या फिर ब्रश करना ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि वो अपने बालों को भी गर्म पानी से ही धोया करती थी। सर्दियों के साथ सर्दियों में होने वाली समस्याएं भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक प्रॉब्लम थी उसके सर की डैंड्रफ। एक दिन वो अपने कॉलेज में फ्रेंड्स के बीच बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड अलीशा बोलती है, ओए डॉली अपनी जैकेट साफ कर, कुछ सफेद सफेद सा लगा है। अच्छा अब बता रही है तू, यार दिख रहा है तो साफ कर देना, मैंने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं, अगर मैं करूँगी तो वो गंदे हो जाएंगे। हे भगवान, कई आलसी देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा। ए रिया साफ कर दियो जरा। उसकी बात सुनकर रिया डॉली की जैकेट साफ करने लगती है और बोलती है, डॉली तू अपने बाल बाल धोती है या नहीं? ये सफेद सफेद डैंड्रफ है, सर में से ही तेरी जैकेट पर आए हैं जरूर। क्या यार डॉली इतना आलस, तुझे पता है ना ये डैंड्रफ बालों की गंदगी होते हैं, तू इन्हें साफ क्यों नहीं करती? यार आज से पहले मेरे सर में कभी डैंड्रफ नहीं हुआ, तो अब कैसे हो गया? तुम कुछ बताओ ना, क्या करूं, कैसे हटाऊं इसे? तू थोड़ा दूर से ही बात कर, वरना तेरे ये डैंड्रफ उड़ उड़ कर हमारे बालों में भी आएंगे। और अच्छा सा शैम्पू यूज कर। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और डॉली अपने बालों को ही देखती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब डॉली अपने बालों में कंघी कर रही होती है कि तभी उसकी कंघी में बहुत सारे बाल टूट कर गिरते हैं, जिसके बाद वो अपने सर को खुजाते हुए अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो ना मेरे सर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और ऊपर से जो बाल टूट रहे हैं वो अलग। हाय कैसे सर खुजा रही है, कहीं तेरे जू तो नहीं हो गई? अरे मैं तो पहले ही सिर में डैंड्रफ होने की वजह से परेशान हूँ, अब जू है। लेकिन तू तो ठंड के मारे खोलते हुए पानी से नहा लेती है और तो और उसी पानी से सर भी धोती है, इसलिए तो तेरे बाल भी कितने कमजोर हो गए हैं। माँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब छोड़ो, बस ये बताओ कि इस डैंड्रफ से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? देख डैंड्रफ हटाने का एक घरेलू नुस्खा है मेरे पास, पर उसके लिए तुझे थोड़ी ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी। माँ दिन भर सर खुजलाने से तो अच्छा है कि थोड़ी सर्दी बर्दाश्त कर लूँ, मैं ये सब कुछ कर लूँगी। ठीक है, छुट्टी वाले दिन मैं तेरे सर में दही लगा दिया करूँगी, दो तीन बार लगाने से ही तेरा डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर वो उसे समझा देती है और तब तक डैंड्रफ होने के चलते वो घर से बाहर नहीं जाती। और संडे के दिन उसके पिता चंदर उससे बोलते हैं, क्या बात है बेटी, तेरी सर्दियों की छुट्टियाँ चालू हो गई है क्या? चार पाँच दिन से तू घर पर ही है। नहीं पापा, वो क्या है ना कि मेरे सर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया है, बालों में जरा सा हाथ क्या मारू डैंड्रफ झड़के सारा मेरे कपड़ों पर आ जाता है। पर हाँ मैं कल से कॉलेज जाऊंगी क्योंकि माँ आज मेरे बालों में दही लगा लेगी, जिससे डैंड्रफ में कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। अरे आ जल्दी इधर। निर्मला के बुलाने पर डॉली उसके पास जाकर अपने बालों में दही लगवा लेती है और दो तीन घंटों बाद धो लेती है, लेकिन ठंड में दही सर पर लगाने के कारण उसे जुकाम और बुखार लग जाता है, जिसके कारण वो दो तीन दिन तक बीमार रहती है। और ऐसे ही एक दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी उसके पिता चंदर कहते हैं, अरे डोली की माँ, दो दिन बाद डोली को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर माँ मैं अपने डैंड्रफ का क्या करूँ? अरे वो दो दिन बाद आने वाले हैं, आज एक बार और अपने सर पे दही लगवा ले। माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे सर में कुछ भी लगा लो, गोबर लगा दो, लेकिन दही मत लगाओ, मैं दोबारा से बुखार में तड़पना नहीं चाहती। अरे इतने सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, कोई और अपना लो ना। इतना कहकर वो अपनी कमरे में चली जाती है। और ऐसे ही दो दिन बाद उसके लिए वीर नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद
टॉली और वीर की शादी हो जाती है और ससुराल में भी टॉली अपने आलसीपन को नहीं छोड़ती, जिसके कारण वो घर के कामों में भी काम चोरी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो कंबल में लिपटी टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी सास अंजना उसके पास आकर बोलती है, अरे वो आलस की दुकान, ठंड के अकेले तेरे ही लिए है, किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, कंबल से निकल और जाकर बर्तन धो। सासू माँ, ठंड का मौसम है तो गर्मी तो लगने से रही, रही बात बर्तन धोने की, तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करवा दो, मैं झटपट धो दूंगी। अच्छा, अब तू बर्तन भी गर्म पानी से धोएगी? हाँ, धोती है किसी बात की? और ये कंबल पर सफेद सफेद सा क्या है? और ये तो तेरे बालों में भी है, क्या लगाया तूने? अरे अब साफ सफाई नहीं रखेगी तो डैंड्रफ ही होगी ना। 4 दिन में तो तू नहाती है, उसमें भी बाल नहीं धोती। अगर कल से तू रोज नहीं नहाई और तूने गर्म पानी की जगह ठंडे पानी सर नहीं धोया तो मैं ठंड में तुझे छत पर सुलाऊंगी, बता रही हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है और अपना सर खुजाते हुए डॉली खुद से बोलती है, अरे डॉली, पहले से ही तू डैंड्रफ की वजह से इतनी परेशान है, अब अपनी सासू माँ के चलते तुझे ठंड में ठंडे पानी से सर धोना पड़ेगा, सही मुसीबत है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अंजना के कहने पर डॉली बालों की सफाई पर ध्यान देती है, लेकिन फिर भी उसके सर से डैंड्रफ नहीं जाती और बार बार खुजाने की वजह से उसके सर के आसपास छोटे छोटे सफेद दानों का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही एक रात वो अपने कमरे में सर खुजाते हुए आती है और उसका पति वीर उससे बोलता है, डॉली, टेबल पर खाने की प्लेट रखी है, देना जरा। डॉली खाने की प्लेट को उठाकर उसे दे देती है और खुद भी उसी में से खाने लगती है। उसकी इस हरकत पर प्लेट को साइड में रखते हुए वीर बोलता है, अरे एक तो सारा दिन अपने गंदे हाथों को सर में डालती रहती हो, कितने कीटाणु होंगे तुम्हारे हाथों में, और उसी हाथ से खाना खा रही हो, कम से कम हैंड वॉश तो कर लो यार। ओ सॉरी, मैं हाथ धोकर खाना खा लेती हूँ, तब तक तुम मेरे सर में प्लीज खुजली कर दो। हाँ हाँ, यही तो काम रह गया है बस। तुम्हें पता भी है रोज सुबह तकिए पर तुम्हारे टूटे बालों के साथ कितना डैंड्रफ होता है, ऐसा ही रहा तो कहीं मेरे सर में भी डैंड्रफ ना हो जाए। अरे तो मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई, कितने शैम्पू भी ट्राई किए, ये डैंड्रफ इतना जिद्दी है कि जाता ही नहीं, बताओ क्या करूँ मैं। अच्छा चलो, एक काम कर दो, अगर तुम खुजा नहीं सकते तो कम से कम अपने हाथ से खाना खिला दो। डॉली के इतना कहने पर वो उसे प्यार भरे अंदाज से अपने हाथों से खाना खिलाता है और ऐसे ही समय बीतता है और डॉली डैंड्रफ से बहुत परेशान रहती थी। तभी एक दिन उसके घर उसकी दादी सास आती है, जिसके बाद वो उसके पैर छूने के लिए जैसे ही झुकती है तो उसकी दादी सास की नजर उसके बालों में हुए डैंड्रफ पर जाती है और वो बोलती है, आ बहुरिया, तुम्हारे सर में खुश्की हो रही है का? लो, घर आते ही इन्होंने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। हाँ माँ जी, इसीलिए तो सारा दिन सर खुजाती फिरती है, कहीं ये भी मेरे बालों में दही या कुछ और न लगाने लगे, हे भगवान मेरे बालों की रक्षा करना। अरे टेंशन की कोनो बात नहीं, हम तो का ऐसा नुस्खा बताए ना कि ये खुशकी दुम दमा कर भाग जाएगी। जिसके बाद से दादी सास रोज नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया करती ताकि उसके सर का फंगल इन्फेक्शन कम, और रात को उसके बालों की अच्छे से मालिश किया करती, साथ ही साथ उसके बालों की अच्छे से साफ सफाई भी करवाया करती। ऐसे ही लगातार 1 महीने करने से डॉली के बालों की डैंड्रफ सच में गायब हो जाती है और वो अपनी दासी वरदान से कम नहीं होते। आखिरकार मुझे मेरी डैंड्रफ के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल ही गया। अरे फिर मैं हूँ भी तो तेरी सास की सास, नुस्खा तो काम करेगा ही ना। उसके इतना बोलते ही सब खुशी से हंसने लगते हैं और डॉली भी डैंड्रफ दूर हो जाने की वजह से बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। विवेक अपने ऑफिस से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और विवेक खुद से बोलता है, अब ये बिना मौसम बरसात की होने लगी, वो भी इतनी जोर से। खैर मुझे तो कार से जाना है, जल्दी करता हूँ वरना राधिका वेट करती रह जाएगी। इतना कहकर वो अपने बैग से सर को ढककर कार में बैठ जाता है और तभी उसके पर राधिका का कॉल आता है और वो बोलता है, हाँ राधिका, बस कुछ देर और, मैं बस ऑफिस से निकल ही गया हूँ। नहीं विवेक, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि आज मेरी मीटिंग बाहर थी तो मैं वहीं से घर आ गई हूँ, इसलिए तुम सीधा घर चले जाना। ओ अच्छा किया जो घर चली गई, वरना आज की बारिश देखकर लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, लव यू। लव यू टू, और हाँ ध्यान से ड्राइव करना। इतना कहकर राधिका कॉल कट कर देती है और विवेक ड्राइव करने लगता है। धीरे बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने लगती हैं और कुछ दूर जाकर
एक बस स्टैंड के पास विवेक की कार का एक टायर पंचर हो जाता है और वो कार से उतरकर बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है, जहां कुछ और लोग बारिश से बचने के लिए खड़े होते हैं। और उन सभी लोगों में एक अकेली रवीना नाम की लड़की खुद से बोलती है, प्लीज गॉड थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दो, बस एक बार मैं घर पहुँच जाऊँ, फिर जी भर के अपनी टंकी खाली कर लेना। हाँ भगवान, भी यही गुजारिश है, कृपया करके आप अपनी दृष्टि हम बालकों पर डालें, जो इस मूसलाधार बारिश में घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वैसे आप यहाँ कितनी देर से खड़ी हैं? जब से ये बारिश शुरू हुई है तब से ही, लेकिन लगता है कि ये बारिश तो रुकेगी ही नहीं। उसके इतना बोलते ही बारिश और तेज हो जाती है और हवाओं के कारण बारिश की बूंदों से झटके आने लगते हैं और सभी लोग भीग जाते हैं। कुछ देर बाद ओले पड़ने लगते हैं और जब कुछ ओले रवीना पर पड़ते हैं से चिल्लाकर बोलती है, आवी मम्मी ओले आया, पत्थर कितने जोर से लग रहे हैं। जिसके बाद मौसम और खराब होने लगता है और रवीना बारिश में भीगने से कांपने लगती है। तभी विवेक उसके सामने आकर उसे अपने कोट से ढक देता है ताकि वो बारिश से बच सके। कुछ देर बाद जब बारिश धीमी हो जाती है वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन फिर से बारिश तेज हो जाती है और दोनों पास के ही एक होटल में चले जाते हैं जहाँ एक ही खाली था। दोनों रूम में जाते हैं और विवेक अपने कपड़े चेंज कर लेता है और रवीना को ऐसे कांपता हुआ देखकर उससे बोलता है, देखो इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। उसके इतना बोलने पर रवीना कांपती हुई वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी जोरों की बिजली कड़कती है और रवीना डरकर विवेक के गले लग जाती है और विवेक भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और जब सुबह होती तो विवेक देखता है कि रवीना एक कोने में बैठकर रो रही है और उसके पास जाकर वो बोलता है, मैं जानता हूँ जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर तुम ऐसे रो मत, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसमें गलती मेरी भी है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है और राधिका की शादी विवेक से तय हो जाती है और दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। राधिका की लाइफ तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन इस हादसे के बाद विवेक की जिंदगी कुछ उलट सी गई थी और फिर कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधिका से हो जाती है। और जब वो पहली रात अपने कमरे में जाता है तो वो चुपचाप सा रहता है और उसे ऐसे देखकर राधिका बोलती है, क्या हुआ विवेक, मुझसे ज्यादा शादी की खुशी तो तुम्हें थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी दिख नहीं रही। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस शादी की भागदौड़ में थक गया हूँ। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। क्या मैं इसे रवीना के बारे में बता दूँ? नहीं नहीं, शादी की पहली रात को ही अपनी सौतन के होने की बात सुनकर इस पर क्या बीतेगी, नहीं मैं इसे नहीं बता सकता। नहीं राधिका, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। इतना कहकर वो सोफे पर ही सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और विवेक रवीना से मिलता रहता है। ऐसे ही एक दिन रवीना विवेक से बातें करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। विवेक उसे लेकर क्लिनिक जाता है जहां उसे पता चलता है कि रवीना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विवेक पहले तो थोड़ा टेंशन में आता है और उसे ऐसा देखकर रवीना उससे बोलती है, विवेक मेरी वजह से तुम पहले ही परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं डालूंगी, मैं इसे लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना। ये कैसी बात कर रही हो तुम रवीना, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी। इतना बोलकर वो मंदिर जाकर उससे शादी कर लेता है और उसे एक नए घर में ले जाता है, जिसके बाद वो बोलता है, आज से तुम यहीं रहोगी और अपना बहुत ख्याल रखोगी, समझी, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं, मेरी निशानी भी तुम्हारे पास है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और विवेक ज्यादातर समय रवीना के साथ ही बिताने लगता है और राधिका विवेक के बदले रवैये की वजह नहीं समझ पाती और वो अपनी सास हेमा से बोलती है, माँ जी जब से शादी हुई है विवेक जी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्हें हो क्या गया है। अरे बहू तू बेकार ही चिंता करती है, कोई बात होगी तो वो तुझे जरूर बताएगा। ये बोलकर उसकी सास उसे समझा देती है, लेकिन राधिका फिर भी उदास ही रहती है, उधर पोछा लगा रही है और वो उसे उठाकर सोफे पर बैठा देता है और मन में बोलता है, इस हालत में मेरे ऑफिस जाने के बाद रवीना का घर में अकेला रहना सेफ नहीं है, लगता है अब माँ और राधिका को रवीना से मिलवाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो रवीना का सामान पैक करके उसे अपने घर ले जाता है और अपनी माँ और राधिका को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर राधिका के पैर
गले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि मेरी सौतन है और तो और वो प्रेग्नेंट भी है। जब ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? विवेक, तुम इसे यहाँ नहीं रख सकते। इतना बोलकर वो रवीना का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, रुक जा बहू, ये कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, मेरे साथ इतना सब होने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं? माना इन दोनों से गलती हुई है, लेकिन इसमें इसकी कोख में पले बच्चे का क्या कसूर है? ये तो मेरे विवेक की ही औलाद है ना, और मैं इस हालात में इसे बाहर जाने को कैसे कह सकती हूँ? इतना कहकर वो रवीना को अपने साथ कमरे में ले जाती है और राधिका अपनी आँखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह जाती है। जिसके बाद विवेक उसके पास आकर बोलता है, राधिका, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें ये बात पहले ना बताकर गलती की है, लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरा गुस्सा तुम अपने आप पर या रवीना पर मत निकालो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, समझे? जिसके बाद वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। हेमा रवीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसे कोई काम नहीं करने देती, हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमती रहती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास बोलती है, बहू जरा पानी गर्म कर दे, रवीना इस हालत में ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। रवीना रवीना रवीना, अरे बार बार अपनी सौतन का ये नाम सुनकर पागल हो चुकी हूँ मैं। मैं भी इस घर की बहू हूँ, ना कि अपनी प्रेग्नेंट सौतन की नौकरानी, समझी आप? दीदी आप शांत हो जाइए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ तो तुझे तो खुशी होगी ही ना, और ये क्या दीदी बोल रही है तू मुझे? तू मेरी सौतन है, बहन नहीं, समझी? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। इतना कहकर वो उसे पीछे धकेल देती है। रवीना गिरने ही वाली होती है कि तभी विवेक आकर उसे संभाल लेता है और राधिका घबराते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? अरे मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे संभाल लिया। इतनी भी क्या नफरत राधिका कि तुम उसे नुकसान पहुँचाना चाहती हो? सॉरी विवेक, पर मैंने जानबूझ कर नहीं किया। मैं तो बस कर, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, तेरा बस चले तो तू इसे जान से ही मार डाले। ये सब सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और उसे लगने लगता है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए वो रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए घर से जाने लगती है। तभी रवीना उसके सामने आकर बोलती है, आप इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती, बस थोड़ा टाइम और, इस बच्चे के इस दुनिया में आते ही मैं खुद इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे। जिसके बाद राधिका भी उसके साथ प्यार से रहने लगती है। कुछ समय बाद जब रवीना की डिलीवरी होती है तो वो बिना किसी को बताए अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही एक चिट्ठी छोड़ती है जिसमें उसने उसे ना ढूंढने और विवेक राधिका को अपनी जिंदगी में साथ आगे बढ़ने की बात लिखी होती है। लिली, जिसको सब प्यार से लाली कहते थे, लाली देखने में बड़ी ही सुंदर और घर के काम में निपुण लड़की थी, मगर उसकी एक ही बुरी आदत थी, वो थी रात के सोते समय नींद में किक मारने की। और तो और उसे अकेले सोने से डर भी लगता था, जिसके चलते उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य को उसके साथ सोना ही पड़ता, फिर रात भर उसकी मिसाइलों को सहना पड़ता। ऐसे ही एक रात वो अपनी मम्मी के साथ सो रही होती है और नींद में अपनी माँ को एक जोरदार किक मारती है, जिसके कारण उसकी माँ धड़ाम से नीचे गिर जाती है और दर्द में कराहती हुई बोलती है, अरे मेरे प्रभु, ये कैसी लड़की दे दी है मेरे कर्मों में, पता नहीं नींद में कैसी कुश्ती खेलती है, खुद तो सोती रहती है भैंस की तरह और सामने वाले की हड्डियों का कचूमड़ बना देती है, हाय लग गई। माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लाली की आँख खुल जाती है और वो अपनी माँ को उठाते हुए बोलती है, अरे मम्मी तुम कब गिर गई नीचे? तेरी ही कृपा से गिरी हूँ मेरी माँ। अरे ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी पति को इसी तरह लाते मारेगी? अरे मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मैं नींद में कब लात मार देती हूँ। हाँ हाँ, लात मार मार कर तो तूने वैसे ही मेरी आधी कमर तोड़ दी है। मम्मी ज्यादा लग गई क्या, दिखाओ मैं बाम लगा देती हूँ। अरे रहने दे निकम्मी, तो मार मार कर मेरी कमर की ऐसी तैसी कर दी है तूने, अब तो तेरे पास मैं कभी नहीं सोऊंगी। मम्मी प्लीज ऐसा मत कहो ना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आपको पता है ना मुझे अकेले रात को नींद नहीं आती, पक्का अब लात नहीं मारूंगी। कच्चा पक्का कुछ नहीं, क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं है कि तू कब मुझे लात मार दे और चारों खाने जिद कर दे। मम्मी प्लीज जब तक आप नहीं मानेंगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, सो जाऊंगी तेरे साथ। ऐसे एक सुबह लाली कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ बोलती है, अरे लाली जल्दी आ नीचे, तेरा नाश्ता तैयार हो चुका है, मगर तू है कि अब तक तैयार ही नहीं हुई। आई मम्मी 5 मिनट। लाली
नीचे उतर कर आती है और टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। तभी उसकी दोस्त मिनी का कॉल आता है। लाली उसका फोन उठाकर बोलती है, हाँ बोल यार। यार शाम को मेरी बहन का बर्थडे है तो घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है, तुझे आना होगा। अभी तो कॉलेज जा रही हूँ। अरे तू कॉलेज से सीधा यहाँ ही आ जाइयो ना। रुक मम्मी से पूछ के बताती हूँ। हाँ हाँ पूछ। मम्मी सुनो शाम में आ जाइयो। ठीक है हाँ माँ भी मान गई, चल शाम को मिलती हूँ। ऐसे ही शाम को लाली मिनी के घर जाती है जहाँ सभी लोग अच्छे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच एक अमर नाम का लड़का लाली से टकरा जाता है। तभी लाली गुस्से में बोलती है, ओ गरीबों के सलमान खान दिखाई नहीं देता क्या? ओ भिखारियों की कैटरीना, मुझे दिखाई देता है या नहीं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता मैं। क्या कहा तुमने? भिखारियों की कैटरीना? बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वो भी गलती से। ओ रियली, इससे अच्छा तो मैं बदकिस्मती सही हूँ। तभी वहाँ मिनी आ जाती है और लाली से बोलती है, अरे लिली ये मेरे भैया है अमर, और भैया ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है लिली, मगर सब इसको लाली भी कहते हैं। बहुत अच्छी है तुम्हारी दोस्त। हाँ और तुम्हारे भैया भी। वैसे मिनी तेरे तो दो ही बहनें थी। अरे ये मेरे मौसी के लड़के हैं। ओ ऐसे ही सभी लोग पार्टी इंजॉय करते हैं और रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद लाली की माँ उसे फोन करती है और लाली मिनी से बोलती है, यार मिनी अब काफी लेट हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए, माँ चिंता कर रही होगी। मिनी अपने भाई अमर से कहकर लाली को घर छुड़वा देती है। लाली और अमर दोनों रास्ते भर में एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। रात ज्यादा होने के कारण लाली को कार में ही नींद आ जाती है और वो कार में ही सो जाती है। अमर मुस्कुराता हुआ अपनी मस्ती में कार चलाता है और लाली नींद में कभी यहाँ तो कभी वहाँ करवटें बदल रही होती है। इसी बीच लाली अमर को चलती कार में से उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारती है, जिससे अमर गुस्से से गाड़ी रोकता है और उसको बोलता है, ओ मैडम नींद से जागो, और ये क्या है तुमने मुझे लात क्यों मारी? नींद में इतनी लीन हो गई क्या कि पता ही नहीं लगा तुम्हें कि कार में हो या बेडरूम में? मुझे माफ करना, गलती से हो गया मुझसे, वो नींद में अक्सर ही मुझसे किक लग जाती है। तुम तो चैन से सो रही हो, मगर ऐसे किक मारकर किसी और का चैन तो मत छीनो। अब मैं क्या करूँ, नींद में मुझे अपना नहीं पता होता मैं कहाँ पड़ी हूँ। तुम लात पड़ने की बात कर रहे हो, अब मुझे घर छोड़ दो, और हाँ दिल से सॉरी। पागल लड़की। लाली को मन ही मन में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अमर से बार बार माफ़ी मांगती है, जिसके बाद अमर उसे माफ करके उससे अच्छे से बात करना शुरू कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अमर अब किसी न किसी बहाने से लाली से मिलने की कोशिश किया करता। धीरे धीरे लाली और अमर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ समय बाद अमर अपनी माँ के साथ लाली के घर जाता है और शादी की बात करके दोनों घर वाले बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ सो रहे थे, तभी लाली नींद में अमर को खींच के लात मारती है और अमर जाकर बेड से नीचे गिरता है और चिल्लाता हुआ बोलता है, लाली ये क्या तरीका है सोने का? भगवान अरे क्या हुआ, जमीन पे क्यों पड़े हो? तुम्हारी वजह से। अरे माफ करना, वो मुझे कोई बुरा सा सपना आ गया था तो मैं खुद को बचाने के लिए हाथ पांव चला रही। सॉरी। अब की किया ना ऐसा तो देख लेना तुम। हाँ अब नहीं होगा पक्का। अमर उसकी बात मानकर फिर से उसके पास जाकर सो जाता है, मगर थोड़ी ही देर बाद लाली नींद में फिर से अमर को जोरदार किक मारती है और इस बार अमर टेबल के पास जाकर गिरता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और इस बार वो लाली को उठाए बिना गुस्से में अपना तकिया उठाए सोफे पर जाकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह अमर की माँ उसे बोलती है, अरे बेटा ये तेरे सर पे चोट कैसे लग गई? अरे कुछ नहीं माँ। अरे मेरे लाल बोल ना। माँ मुझे ना नींद में लात मारने वाली पत्नी मिली है, जो कि एक रात में पता नहीं कितनी बार मुझे लात मारती है, मैं तो तंग आ गया। सही है बेटा, खुद के पसंद से शादी करोगे तो लात ही खाओगे। माँ आप भी ना। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब अमर हर रात को लाली के पास सोने से डरा करता। ऐसे ही एक रात लाली उसे बोलती है, क्या हुआ अमर? हुआ का क्या मतलब है, रात को लात मार मार कर मेरी कमर की हड्डी ही तोड़ दी है तुमने। माफ कर दो, मैं सच में जानबूझकर नहीं करती, मुझे पता नहीं चलता कि मैं नींद में कब लात मार देती हूँ। अरे नींद के चक्कर में तुम किसी की जान ले लोगी क्या? आप ही बताओ, अगर आपको भी लात मारने की आदत होती तो बेटा इस आदत का कुछ करना भी तो चाहिए ना तुम्हें। आप बताओ क्या करूं? मैं अब बताऊंगा नहीं, सीधा करूंगा, मगर क्या करूंगा ये मैं भी नहीं जानता। ये बोलो ना कि आपके पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। यार अभी मेरा दिमाग
मुझे सोचने दो कि आखिर क्या करूँ इसका। सोचो, अगर कुछ पता लग जाए ना तो मुझे भी बता देना। इतना बोलकर लाली सो जाती है और अमर बैठकर सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुन्नी लेकर लाली के पैर बांध देता है और खुशी से सो जाता है। मगर कुछ ही देर बाद लाली नींद में अमर को फिर से जोर से लात मारती है और वो सीधा बेड के नीचे जाकर गिरता है और सर पर हाथ रखकर बोलता है, ये भी नहीं सुधरेगी, मुझे ही अपना बोरिया बिस्तर अलग करना पड़ेगा। कमर तोड़ दी आज फिर से इसने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे